गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट टू अपने जीके सेट के, जो कि सीजीएल मेंस और सीएचएसएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस, आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी उसमें से 20 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नीचे जाओगे आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। फॉर योर रिविजन पर्पज़ आप उस PDF को कंसल्ट ज़रूर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वॉज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाई द मुगल एम्परर। आपको पता होगा कि मुगल एम्परर के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ हैदराबाद सब चुना गया था। जहाँ पे जितना इनका रीजन है उतना चुनते थे ये। उनमें से गवर्नर ऑफ बंगाल किसे चुना गया था, और वो आखिरी गवर्नर था, उसके बाद से गवर्नर कभी नहीं बना वहाँ पे जो मुगल एम्परर के अंदर आया। सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को 1700 ईस्वी में आपको अपॉइंट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ओके, और आपको बताना चाहिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ओके, तो ये जो है ये नवाब, ये तो बंगाल के गवर्नर बने थे, उसके बाद इन्होंने उसको हटा के अपने आप को नवाब बना दिया। 1710 1727 तक इनका रेन है, तो इन्होंने अपने आप को नवाब बना दिया। और ये जो थे अपना ढाका से इन्होंने अपना कैपिटल को मुर्शिदाबाद लाया था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। ओके, नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेवन बॉर्न जनरल किसको बोला गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी संभावना है, एक न्यू टाइप क्वेश्चन है। एल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें से चार ऑप्शन में से किसे बोला गया था हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल बोला गया था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। आफ्टर 1757 के प्लासी युद्ध के बाद इन्हें अपने आप को टाइटल मिल गया था इनको, हेवन बॉर्न जनरल। ओके, रॉबर्ट क्लाइव अपने से टाइटल मिला दिया गया था, इसमें कोई किसी ने दिया नहीं था। ओके, अब हु शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मैंने आपको बताया कि जैसा ये बताया आपको कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपना जो राजधानी है, अपना कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद किया था, और वापस मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन किसने किया है, ये बंगाल के कौन से नवाब थे, अली वर्दी खान, सिराज दौला, मीर जफर या मीर कासिम। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया था, अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर को। ओके, और आपको बताना चाहिए मीर कासिम ही वो शख्स थे जिनके द्वारा बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम के द्वारा, और सिराजुद्दौला के समय में बैटल ऑफ प्लासी 1757। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। ओके, नाउ किस गवर्नर के टेन्योर में दीवानी राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वो ग्रांट किया गया था ईस्ट कंपनी को, एम्परर शाह आलम के समय में। मीन्स दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, वो राइट्स को हम लोग कहते हैं दीवानी राइट्स। और दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और ओडिशा के, इन तीनों राज्यों के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये शाह आलम टू के द्वारा दिया गया था, जो कि उस समय के एम्परर थे, मुगल एम्परर थे। तो ये किस गवर्नर के टेन्योर में हुआ था ये चीज, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर इज ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही ये हुआ था। आपको पता है कि 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, उसके बाद ये दीवानी राइट्स चली गई थी बंगाल, बिहार और ओडिशा की ईशा कंपनी को। 1765 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी राइट्स चले गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और अगर मैं आपसे पूछूं 1764 में
किसने नेतृत्व किया था या कौन लीडर थे आपको ब्रिटिश के। देखिए 1764 जो बड़ा बक्सर हुआ था उसमें दो पार्टी थी, एक ब्रिटिश थी और एक तरफ आपको मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, एंड शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे, इन तीनों का ज्वाइंट फोर्सेस और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश की तरफ से लीड कौन कर रहे थे, तो ब्रिटिश की तरफ से लीड करने वाले का नाम था हेक्टर मुनरो। 1764 बैटल बक्सर किसके द्वारा लीड किया गया था, तो वो लीड किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव इसमें मार के बिल्कुल नहीं आना है, इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, क्लाइव थे। 1765 समय में। नाउ नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वांडी वास। अब देखिए वांडी वास कब हुआ था, 1760 में हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बैटल ऑफ वांडी वास आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी, ठीक है, और ये आखिरी वॉर था आपको, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो कि खत्म हुआ था वांडी वास के युद्ध से। और इस वॉर में ब्रिटिश लोग जो है वो पूरी तरीके से हरा दिए थे फ्रांस को, और फ्रांस का अब बोल दिया गया था कि अब आप कोई मिलिट्री या कोई एक्सेशन नहीं करेंगे, एनेक्सेशन नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम करेंगे। इसके बाद ये हो गया था। तो ये बैटल ऑफ वांडी वॉश काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। तो उस समय फ्रेंच के कमांडर कौन थे, फ्रेंच कमांडर कौन थे उस समय, काउंट लैली, फ्रेंकिस मार्टिन, ड्यूपले या नो दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज काउंट लैली। काउंट लैली जो थे वो आपको वांडी वॉश जो युद्ध था उसके समय आपको गवर्नर, वहां फ्रेंच के कमांडर थे। नेक्स्ट, अमृतसर जो सिटी है पंजाब में, अमृतसर जो सिटी है वो किनके द्वारा बनाया गया है, किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो पता होना चाहिए आपको कि टोटल मिला के 10 गुरुज हुए थे, ठीक है, और आप पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव और लास्ट गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसमें से, इनमें से आपको बताना है कि अमृतसर सिटी की खोज किसने की थी, तो भाई इसने किया था, गुरु रामदास जी ने किया था। गुरु रामदास जो थे वो फोर्थ गुरु थे, और अकबर के द्वारा उन्हें ज़मीन दिया गया था, दान में दिया गया था, या उनको तोहफे के रूप में दिया गया था, और वहीं पे उन्होंने अमृतसर शहर की निर्माण किया था। तो उनका इसका आंसर है गुरु रामदास। गुरु नानक पहले गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु, और गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9th गुरु थे। और आपको पता होना चाहिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था, तो औरंगजेब ने आपको गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश। कौन थे उस समय वाइसराय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश किया गया था, रिपन, लिटन, कैनिंग या डफरिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डफरिन। डफरिन के समय में ही आपको, डफरिन जो है वो वाइसराय थे जब आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था 1885 में। आपको पता होगा 1885 में बाय ए ओ यूम, आपको पता है कि किसके द्वारा फाउंड किया गया है, वो ए ओ यूम के द्वारा आपको फॉर्म किया गया है। आईएनसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट वो कभी नहीं चुने गए थे, लाल लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि ये जब आपको बने थे, जब बनने वाले थे तो उस समय एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, जब दोनों पार्टी अलग अलग हो गया था, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, उस समय ये बनने वाले थे लेकिन ये नहीं बन पाए थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये आज तक आपको आईएनसी के प्रेसिडेंट कभी नहीं बने हैं, लाल लाजपत राय जी बने थे, मोतीलाल नेहरू बने थे, और एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट लेडी थी या फर्स्ट वुमेन थी जो कि क्या बनी थी आपको, आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। याद रखिएगा ये पॉइंट, 1970 कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। इसके अलावा सविन नायडू, जो कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द आईएनसी प्रेसिडेंट, तो उसका आंसर है सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर सेशन था, वो कानपुर सेशन था 1925 का। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी कब बने थे आईएनसी के ये प्रेसिडेंट, तो ये सिर्फ इकलौता एक ही बने हैं गांधी जी, जिसका आंसर है 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था, बेलगांव सेशन जो हुआ था, जो कर्नाटका में है बेलगांव, उसमें आपको गांधी जी बने थे प्रेसिडेंट।
द कांग्रेस इज फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ आवर ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस दिस डिक्लेरेशन बाय मेड बाय। बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब गिर रहा है, वो पतन की ओर है, और मेरा काम क्या है, मेरा ये काम है कि मैं इसको उसके पीसफुल डिमाइस मतलब उसके अंत की ओर धकेल दूँ। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन, मिंटो। आपको पता होना चाहिए कि 1906 में ही सुएज स्प्लिट हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग अलग हो गए थे। उससे पहले 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाला था लॉर्ड कर्जन। कर्जन था 1905 में बंगाल डिवीजन। ओके, तो इन्होंने ही ये बात बोला था, इसने ही ये बात बोला था कि कांग्रेस जो है वो गिर रहा है और मेरा एम्बिशन है कि मैं इसे उसकी मौत की ओर ढकेल दूं। तो यही बोला गया था, कर्जन के द्वारा बोला गया था ये चीज़। ओके, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, ये बोला गया किसके द्वारा, ये बोला गया था कि भैया अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर दीजिएगा। सजेस्ट किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर दीजिएगा जब हम लोग को आज़ादी मिल जाए, क्योंकि मेन मोटिव जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्या था कि हमें आज़ादी मिले। ये किसके द्वारा सुझाया गया था? राजा गोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये बोला गया था कि नेशनल कांग्रेस जो है उसे सस्पेंड कर देना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन। एक कांग्रेस सेशन में एक गवर्नर जनरल जो है वो पार्ट लिए थे। इसमें से करेक्ट पेयर आपको बताना है किसने पार्ट लिया था। इरविन कराची 1921, वेलिंगटन बॉम्बे 1915, डफरिन बॉम्बे 1885, या हार्डिंग लखनऊ 1916। इनमें से एक लौता एक ही बार गवर्नर जनरल जो है वो पार्ट लिए थे, किसमें आपको, कांग्रेस के सेशन में। उसमें से इसका आंसर क्या होगा? इरविन, वेलिंगटन, डफरिन या हार्डिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन ही एकलौते एकमात्र इंसान थे जो बॉम्बे 1915 के कांग्रेस सेशन में उन्होंने पार्ट लिया था। और सब तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट होता है कि इरविन तो भाई उस समय 1931 में तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, कभी नहीं हो सकता है। डफरिन पहली बार जब हुआ था उस समय एओयूएम थे, कुछ नहीं हो सकता है। हार्डिंग भी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है वेलिंगटन। ओके, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहेब आलम बहादुर शाह। साहेब आलम बहादुर शाह, जब 1857 का रिवॉल्ट आपको पता है, द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 में साहेब आलम बहादुर शाह का टाइटल किसे दिया गया था? अजीमुल्ला, ब्रिजिश कादिर, बख्त खान या हसन खान। तो भाई अजीमुल्ला और ब्रिजिश कादिर तो होंगे ही नहीं। पहले ये तो ब्रिजिश कादिर कहाँ से थे आपको, लखनऊ से थे, हजरत महल के बेटे हैं ये, ठीक है, तो वो होना ही नहीं है। और दिल्ली की तरफ से बख्त खान जो हैं वो दिल्ली की तरफ से आपको लड़ रहे थे इन्फ्यूशन में। आपको पता होना चाहिए इन्फ्यूशन में सभी लोग बहादुर शाह जफर को, जो कि उस समय के लीडर थे, उन्हें उन्होंने बना दिया था, क्या 1857 का रिवॉल्ट का लीडर बनाया था, और उनके द्वारा चुना गया था भक्त खान, क्योंकि वो दिल्ली से लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर है भक्त खान, जिसे बोला गया था साहेब आलम बहादुर शाह। ओके, दैट इज भक्त खान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्स्ट द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, कि और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पहला इवेंट 1857 के वॉर में क्या हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर की तरफ से नाना साहेब का रिवॉल्ट, बेगम हजरत का रिवॉल्ट आपको अवध से, अवध से, दिल्ली का मतलब कि जो आपको सैनिक थे वो दिल्ली के रेड फोर्ट पहुंच गए वो था, या फिर रिवॉल्ट बाय झांसी की रानी। ठीक है, इनमें से पहला काम क्या हुआ था? तो इनमें से पहला काम हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि मेरठ से स्टार्ट करके इंडियन आर्मी, जो इंडियन, सॉरी आई एम सो सॉरी, उस वहाँ के ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, वो रेड फोर्ट आपको पहुँचे थे दिल्ली के, जहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया था। तो ये पहला काम था आपको, जो कि 1857 में पहली बार हुआ था। और आपको पता है कि 1857 का पहला इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज सिपाही म्यूटनी को ही बोलते हैं हम लोग, द यूज ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज जो कि मुंह से तोड़ के निकाला था, उसमें बोला गया था, यह अफवाह फैलाया गया था
कि वो जो है वो किससे बना हुआ है, वो गाय के मीट से या फिर सुअर के मीट से बनाया गया था, पिक के मीट से बनाया गया था। तो दैट वाज ये अफवाह था, ये सच था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, किसके, इंडियंस के सेंटिमेंट्स को, हिंदूज और मुस्लिम सेंटिमेंट को हर्ट किए, और इसके बीच में ही ये वॉर, इन्फ्लेशन का वॉर स्टार्ट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे रीजन थे जो कि इन्फ्लेशन वॉर को कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये मेन मेजर रीजन था। अब बरेली से इन्फ्लेशन में कौन थे, बरेली से, तो इसका आंसर है खान बहादुर। खान बहादुर जो थे वो बरेली से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से थे, और ब्रिटिश खाते में बताया था आपको लखनऊ से थे। ओके, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, क्वेश्चन बता दीजिएगा, करेक्टली मैच नहीं है। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, थॉमस रो, शाहजहां, प्रेवेनियर, औरंगजेब, मैनुकी। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत जानकारी मिलेगा कौन कौन सा फॉरेनर जो हैं वो किन के समय में आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के कोर्ट में ही विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आए थे। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी आपको पता चली गया कि अकबर के समय में थॉमस रो तो आए ही नहीं थे। तो आपको ये जानना है शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आए थे और औरंगजेब के समय में मनुकी आए थे उनके कोर्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा ना पूछे, आपसे पूछ दे कि औरंगजेब के समय में कौन से इनमें से चार बताइए, चार ऑप्शन देगा, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, ट्रेवेनियर या मैनुकी, तो बोल देगा कि औरंगजेब के समय में इनमें से चार कौन से आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से मनुकी जो है वो औरंगजेब के समय में आए थे, शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर, और जहांगीर के समय में ही विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आए थे। ओके, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप या हेमू। तो इसका आंसर है हेमू कहा जाता है, हेमू, जो कि हेमू विक्रमादित्य है, जो कि 1556 के सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर से लड़े थे हेमू, उन्हें बोला जाता है लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी। ओके, विद द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, मीन्स गेट ऑफ मक्का, गेट ऑफ मक्का मुगल पीरियड में गेट ऑफ मक्का, बाबुल मक्का किसे कहा जाता था, कालीकट, भरूच, कैम्बे, सूरत। तो इसका आंसर, ये सब आपको पोर्ट टाउन है, और इनमें से आंसर आपको है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सूरत। सूरत कहा जाता था बाबुल मक्का, गूगल पेड में बाबुल मक्का सूरत कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर जो है वो नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है, शेरशाह स्टॉम, सासाराम, हुमायूं स्टॉम, दिल्ली, जहांगीर महल, बुरहानपुर या फिर बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर क्या होगा मैं फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जहांगीर महल, बुरहानपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं टॉम दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, अकबर के द्वारा बनाया गया था ये। ओके, और जहांगीर जो है महल जो है वो आपको कहाँ पर है, आगरा में, वो आगरा यूपी में आपको पड़ता है जहांगीर महल। ओके, तो ये इसका करेक्ट पेयर नहीं था। नाउ नेक्स्ट, मुगल एम्परर ने, किस मुगल एम्परर ने ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग बोली कि आप बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो, अकबर, जहांगीर, जहांदर शाह, फारूक सीयर। तो आप पता होना चाहिए 1717 में एक रॉयल फरमान जारी किया गया जिसके तहत ये बोला गया था कि ब्रिटिशर्स को कि आप बिना कोई टैक्स दिए हुए, आप बिना कुछ किए हुए आप बंगाल में ट्रेडिंग कर सकते हो, और ये बोला गया था फारूक सीयर के द्वारा, उस समय के मुगल एम्परर। एक्चुअली में हुआ क्या था कि फारूक सीयर काफ़ी बीमार पड़ गए थे और ब्रिटिश लोगों ने अपने डॉक्टर को बुलाया था और उनका इलाज करा था। तो इससे खुश होकर के 1717 में उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसे हम लोग कहते हैं रॉयल फरमान ऑफ 1717, और इसके तहत ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग बोल दिया गया था भाई कि आप जो हैं वो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करिए, कहाँ पे, बंगाल में करिए। तो ये आपको इसका आंसर है फारूक सीयर। ओके, नाउ इनमें से किन किन को कौन पार्टिसिपेट किए थे द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो, शिकागो 1893 में किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या राजा राममोहन रॉय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था, है कि नहीं, और इन्हीं के, और ये शायद इनका डेट था, ओके, 12 जनवरी को हम लोग, आप जानते हो 12 जनवरी क्या मनाते हैं हम लोग, 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, इनके बर्थडे पे, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे हम लोग 12 जनवरी क्या मनाते हैं हम लोग, आपका नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो ये भी एक सटीक क्वेश्चन हो गया आपको, है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज फाउंड किया गया था 1875 में,
स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन फाउंड किया गया, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, तो उसी के नाम से रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था 1897 में। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था हरिजन सेवक समाज संघ, और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था ब्रह्मो समाज, दैट इज 1828। और राजा राम मोहन रॉय को ही हम लोग कहते हैं ही हैज़ विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, है कि नहीं। और दयानंद सरस्वती जी ने विडो रिमैरिज एक्ट पारित किया था 1856 में। ओके, तो ये था आज का आपको वीडियो। मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।